नमस्कार दोस्तों, कंटी साइड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दुबे। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता जितेंद्र गोरियान, जो इस बारे में बातचीत करेंगे। जो सीएम बनाए गए हैं, लोगों ने चुना है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लोगों ने नहीं चुना जी, लोगों ने नहीं चुना, पप्पू ने चुना है। जो कांग्रेस का अध्यक्ष है पप्पू, उन्होंने चुना है, उनके परिवार ने चुना है, लोगों ने तो चुना ही नहीं इसको। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे बताइए। वहाँ पे एक परिवारवाद का सिस्टम है, वो जिसको चाहते हैं, जो उसको उनकी गुलामी कर सकता है, वो उसको सीएम बना सकते हैं, उनकी मर्जी है। क्योंकि पार्टी एक परिवार की है, लोगों की तो वो पार्टी नहीं है, लोगों की तो वो पार्टी नहीं है, वो तो एक परिवार की पार्टी है। जैसे सोनिया गांधी जी बोल देते हैं, पप्पू गांधी जी, राहुल गांधी जी बोल देते हैं, वैसे वो कर देते हैं। इसके बारे में और क्या जो कैप्टन साहब आप इस्तीफा दिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैप्टन साहब ने इस्तीफा दिया, अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने पंजाब का जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया था। दूसरी बात कि जो इनको सीएम लगाया गया और जो इन्होंने कोशिश की है दलित कार्ड खेलने की, इनको समझ आनी चाहिए दलित का मतलब क्या है। पीछे से सुनने में आ रहा है कि वे रविदास भाईचारे से संबंध रखते हैं क्या? जब वह सीएम बने उन्होंने जय भीम का नारा लगाया। आज अगर वो शख्स उस कुर्सी पर बैठा है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है, लेकिन उस बंदे ने एक बार भी किसी को जय भीम नहीं बोला। और दूसरी बात, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को जाके नमन नहीं किया, उसने खुलारगढ़ साहब में गुरु रविदास जी के यहाँ जाके नमन नहीं किया, उसने वाल्मीकि तीर्थ पे जाके नमन नहीं किया। वो कैसा है हमारा, हम उसको कैसे दलित मान ले? अगर वो दलित है तो कम से कम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को तो माने, जिनकी वजह से हमें जीना सिखाया गया है, जिनकी वजह से हम आज खुलकर जी सकते हैं। हमें नॉर्मल कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उस शख्स ने उनको एक बार भी नहीं याद किया, हम उसको दलित कैसे मान ले? वह सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चमचा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ी जा रही हैं, और पेट्रोल डीजल की कीमत की अगर आप बात करो, अगर आप 2014 से पीछे जाते हैं, 10 साल का रेशो निकालते हैं आप, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कितने से पेट्रोल कितने पे पहुंचा था? 37 रुपए से पेट्रोल 86 रुपए से इन्होंने पहुंचाया है, ठीक है जी। और आज का रेट जो है वो 102 रुपए है, 86 में से 102 में से आप 86 रुपए निकालो, कितना फ़र्क पड़ा? आज 7 साल हो गए सरकार बनी, केंद्र सरकार को, कितना फ़र्क पड़ा? कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ 14-15 रुपए का फर्क है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा। और उसमें पंजाब सरकार अपना टैक्स छोड़े जितना टैक्स है। और मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जल्द यह है जो है जीएसटी के अंदर आ रहा है, और पेट्रोल की कीमतें जो वो सस्ती होंगी। पेट्रोल वो पहले ही 86 रुपये छोड़ के गए थे, जिसको हमने आके सस्ता किया था, 70 रुपये किया था। जो नए सीएम आए हुए हैं दावा कर रहे हैं कि जो कीमतें, जो क्षेत्र हैं, कृषि विभाग के लोग हैं, उनको सब्जी मुफ्त मिलेगा, बिजली मुफ्त मिलेगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? कब देगा? जब तक सब्जी तैयार होगी वो चला जाएगा। सब्जी कब तक तैयार होगी? सब्जी को समय लगता है उगने में, 1-1.5 महीने में सब्जी तैयार होगी, वो फ्री में देगा। तब तक तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, वैसे कुछ नहीं देगा, कैसे देगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक तरफ जो सीएम बनाए गए हैं, इनको लोग इतनी उत्साहित हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो उस पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। नज़रअंदाज कोई नहीं कर रहा, चलो सीएम बना दिया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ढोल भी कोई नहीं बजा रहा। ढोल वही बजा रहे हैं जिनको टिकटें चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में चमचागिरी करके सब कुछ मिलता है, तो जिनको टिकटें चाहिए वो ढोल भी बजाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ कोई दीन ईमान नहीं है। जो कल तक पोस्टर लगा रहे थे साडा कैप्टन, कैप्टन एक होंदा है, उन्होंने 10 कैप्टन बन गए, उनके 10 कैप्टन बन गए आज की डेट में। जैसे ही सीएम बने हैं, वैसे ही जो होर्डिंग लगाई गई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह का, सारे एक एक दिन में निकाला गया, जहाँ रोड पे, सड़कों से, सभी जगह लगाए गए, सारे उतर गए, क्या कहें? अरे ये वो पार्टी है जो अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, इनके लिए होर्डिंग की कौन सी बात है? ये वो पार्टी है जो किसी की कदर नहीं करती, ये पार्टी किसी को भी बाहर निकाल सकती है, इन्हें कोई फर्क नहीं है। इसी के साथ समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।